हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो आइए चलिए देखते हैं। और ये देखिए प्रैक्टिस सेट का ये 13वां भाग है और चलिए देखते हैं। इससे पहले भी मैंने 12 भाग अब अपलोड कर चुका हूँ, इसके बाद अब देखिए 13वां भाग है ये। आइए चलिए देखते हैं ये 25 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। और आप लोग रेलवे ग्रुप डी के अगर एनालिसिस देखे होंगे तो इस साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वही सब साइंस के क्वेश्चंस हैं इसमें, और मैंने जितना पीछे पढ़ाया है उसमें से बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इस बार ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लाता रहूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन जो है वो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव के शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हार्मोन होता है, या फिर ऑप्शन बी एंजाइम होता है, या ऑप्शन सी विटामिन होता है, या ऑप्शन डी पोषक पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजाइम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाइयां हैं। तो किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाइयां होती हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है प्यूरिन्स, ऑप्शन सी है शर्करा, और ऑप्शन डी है ग्लिसराल। तो इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीनो अम्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिलीरुबिन तथा बिलबर्डिन कहाँ पाए जाते हैं। तो बिलीरुबिन तथा बिलबर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए नंबर है पित्त में, ऑप्शन बी है रक्त में, ऑप्शन सी है लार में, और ऑप्शन डी है अग्नाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रिप्सिन बदलता है, तो ट्रिप्सिन क्या बदलता है, किसको किस में बदलता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, ऑप्शन बी है वसाओं को वसी अम्ल में, ऑप्शन सी है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोस में, और ऑप्शन नंबर डी है ग्लाइकोजन को माल्टोस में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। और इसके बाद अगला देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है विटामिन होते हैं, तो विटामिन क्या होते हैं, ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता, ऑप्शन बी है आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है वो है शरीर में संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक। तो विटामिन होते हैं, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण नहीं शरीर में नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए अणु के संयोजन में भाग लेते हैं, तो डीएनए के अणु के संयोजन में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेंटोज शर्करा या फास्फोरस शर्करा अम्ल, सॉरी फास्फोरिक अम्ल पिरिमिडियंस। ऑप्शन बी है पेंटोज शर्करा फास्फोरिक अम्ल पिरिमिडियंस तथा प्यूरेंस, और ऑप्शन सी है पेंटोज शर्करा फास्फोरिक अम्ल और प्यूरेंस, और अंतिम ऑप्शन डी है पेंटोज शर्करा पिरिमिडियंस एवं प्यूरेंस। तो इसका सही आंसर जो होगा जो डीएनए के अणु के संयोजन में भाग लेते हैं वो है पेंटोज शर्करा फास्फोरिक अम्ल पिरिमिडियंस तथा प्यूरेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पित्त का मुख्य कार्य है, तो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण, ऑप्शन बी है एंजाइमों द्वारा वसा का पाचन, ऑप्शन सी है उपजात पदार्थों का बहिष्करण, और ऑप्शन नंबर
डी जो है वो पाचन क्रियाओं का नियमन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है वह कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मुख्य गुहा होता है या अमाशय, ऑप्शन सी है आंत और ऑप्शन डी है मलाशय। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंत, वह अंग जिसमें प्रोटीन्स का पाचन होता है वह आंत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखते हैं, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। तो किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, एंजाइमों में, ऑप्शन बी है वसी अम्लों में, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक अम्लों में और ऑप्शन नंबर डी है अमीनो अम्ल में। तो इसका सही आंसर जो होगा अमीनो अम्ल में। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो साथ ही साथ लाइक करते चलिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा है। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि बेल के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो उसका आपका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार्कटाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। तो लार्कटाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है हल्के अम्ली में, ऑप्शन बी है हल्के क्षारी में, ऑप्शन सी है तीव्र अम्ली में और ऑप्शन नंबर डी है सब में। तो इसका सही आंसर जो होगा हल्के अम्ली में। इसके बाद देखते हैं, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। तो अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है, ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है पित्त और ऑप्शन सी है इलेस्म और ऑप्शन डी है HCl। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HCl, जो कि अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है अमाशय द्वारा, बी है गृहिणी द्वारा, ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन सी है अग्नाशय द्वारा और ऑप्शन डी है यकृत द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का श्रवण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य की आंत में अवशोषित वसी अम्ल एवं मोनोसैकेराइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं। तो मनुष्य की आंत में अवशोषित वसी अम्ल एवं मोनोसैकेराइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है आंत की अवशोषी कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है यकृत पोर्टल सिरा में, ऑप्शन सी है अग्र मिसेंट्रिक सिरा में और ऑप्शन डी है लसिका वाहिनियों में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लसिका वाहिनियों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है। तो एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है सभी का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा का, एस्टर बंधों के टूटने पर वसा का पाचन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 30। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। इसके बाद देखते हैं, पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रसनी से होता है या ग्रास नली से या छोटी आंत से या मुख से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुख से पोषण नाल का प्रारंभ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है। तो आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है पित्त, ऑप्शन बी है अग्नाशयी रस, ऑप्शन सी है आंत्री रस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशयी रस में तरल होता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कशेरुकियों के अमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि किसका पाचन होता है अमाशय में, तो वो प्रोटीन्स का होता है या ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का होता है या ऑप्शन नंबर सी वसा का होता है या इन सब का होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन्स का पाचन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ वसाओं कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है
वह कहाँ पर होता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बड़ी यात, ऑप्शन बी है छोटी यात, ऑप्शन सी है यकृत, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो अमाशय में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी यात में प्रोटीन्स का पाचन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है, तो कहाँ पर होता है, कोलन में होता है या फिर छोटी यात में होता है, या सी ऑप्शन जो है बड़ी यात में, या इसका डी ऑप्शन जो है अमाशय में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी यात में। पचे हुए भोजन पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः वह छोटी यात में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ पाचन एंजाइम नहीं होता है, तो कौन सा पदार्थ पाचन एंजाइम नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एंट्रीकाइनेज, ऑप्शन बी है एंटीरोगैस्ट्रोन, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन, और ऑप्शन नंबर डी है एमाइलेज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटीरोगैस्ट्रोन पदार्थ का पाचन एंजाइम नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, और ऑप्शन नंबर डी है यूरिएज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माल्टोज पदार्थ का एंजाइम नहीं होता है। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो इसमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एल्बुमिन है, ऑप्शन बी है प्रोथ्रांबिन, ऑप्शन सी जो है हैपीरिन है, और ऑप्शन नंबर डी है फाइब्रिनोजन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैपीरिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, मतलब जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन बी है डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन नंबर सी है डायबिटीज इम्परफेक्ट, इसके बाद है डायबिटीज सुगरनेंसिस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वैसे तो सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इस तरह से टॉप 25 क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो कि नए क्वेश्चंस होंगे, नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे रेलवे की परीक्षाओं के लिए। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें। और इसके बाद मैंने जितने भी वीडियो अब तक डाले हैं वो सारे वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस समय जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है वो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए में से आए हुए हैं, तो आप जरूर से जरूर सारे वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।